नमस्कार जी, टुडे आवर लेक्चर इज मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट्स। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट्स में सबसे पहले हम फ्लेक्सर मसल की बात करेंगे। हमारे जो फ्लेक्सर मसल है इसको हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल बिल्कुल ये फीमर होती है, ये हमारी बोन जो है इसको हम फीमर कहते हैं। ये फीमर के बिल्कुल फ्रंट साइड पे होते हैं, इसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टीबिया से। इसके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है और टीबिया और फेबुला दोनों जो है ना बेंड हो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है इसको हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं या बेंडिंग ऑफ नी भी कहते हैं। इससे फ्लेक्सर कॉज हो जाता है। इससे आप जब नी को बेंड करते हैं तो उससे आप उस वाले से आप भाग सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। अब जो दूसरे मसल हैं वो एक्सटेंसर मसल हैं, वो बिल्कुल फ्रंट ऑफ थाई के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये मसल इनको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कहते हैं। इनका जो रीजन होता है वो इलियम और फीमर। ये देखें ये क्वाड्रिसेप्स है, इनका जो ऊपर ओरिजन है जो पल्वे टेंडन की जो बोन है इसे इलियम कहते हैं और फीमर के साथ होता है। लेकिन ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये यहाँ पे देखें, ये जो इंसर्शन पॉइंट है इसे टीबिया कहते हैं और टीबिया के साथ फेबुला होती है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे टीबिया के ऊपर और बोन जो होगी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। इस वजह से इसको हम एक्सटेंसर मसल कहते हैं। ये वॉकिंग है, ग्लाइडिंग है और इसके अलावा हर तरह के मूवमेंट है इसमें हम ये हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों जो है मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट्स में इसको हम एंटागोनिस्टिक मसल भी कहते हैं। दोनों जो है अपोजिट जॉब कर रहे हैं, एक फ्लेक्सर का काम कर रहा है, दूसरा एक्सटेंशन का काम कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर टुडे।